हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हनी गार्डन। तो चलिए आज मैं आपको कुछ ऐसी चीज़ों के बारे में बताती हूँ जो हमको घर बैठे ऐसे फर्टिलाइज़र मिल जाती हैं जिनको हम वेस्ट समझ के अक्सर फेंक देते हैं। तो जैसे कि आपको दिख रहा है कि स्क्रीन पे तीन तरह की चीज़ें हैं और इनको हम फर्टिलाइज़र के रूप में या आप कहिए खाद के रूप में अपने पेड़ पौधों में दे सकते हैं अच्छी ग्रोथ के लिए, अच्छी फ्लावरिंग के लिए, और इससे हमारे प्लांट्स बहुत ही हेल्दी रहेंगे। अक्सर ये प्रॉब्लम देखी गई है कि किन्हीं कारणों से हम घर से बाहर नहीं जा पाते हैं या फिर हमारे पास इतना बजट नहीं होता है कि हम फर्टिलाइज़र महंगे महंगे जो मार्केट में आते हैं खरीद पाएँ। तो डोंट वेरी, कुछ चीज़ें मैं आपको ये तीन जो बता रही हूँ ये आपको ना के बराबर पैसों में मिल जाएंगी और इसको ना और आप इसका अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। सबसे नंबर वन पे है चाय की पत्ती। चाय की पत्ती आप रोज ही चाय बनाते होंगे, अक्सर चाय बनाते होंगे, और जब उसका यूज़ हो जाता है तो हम उसको डस्टबिन में फेंक देते हैं। लेकिन इसको आज के बाद आप फेंकिएगा नहीं, ये ऐसे फर्टिलाइज़र बहुत अच्छी चीज़ है। ये देखिए, बस आपको इतना करना है कि जब भी आप चाय बनाएं चाय की पत्ती इकट्ठी करते रहें, और जब चाय की पत्ती दिन भर में थोड़ी बहुत इकट्ठी हो जाए आप वापस से उसको छली में डालकर पानी से धो लीजिएगा ताकि उसमें जो चीनी के अंश रह गया है वो निकल जाए, क्योंकि वो हमारे पौधों के लिए नुकसान दे सकता है। आप उसको धोकर निचोड़ कर धूप में डालिएगा, सुखाइएगा और 15-15 दिनों में अपने पेड़ पौधों में आप इसको दे सकते हैं। दूसरी चीज़ है ये वेस्ट दवाएं। जैसे कि आप देख रहे हैं ये दवाएं हैं कुछ जो अक्सर हमारी तबीयत ख़राब होने पे हम लाते हैं, बुखार वगैरह की, या कुछ ऐसी भी दवाएं होती हैं कि जो एक्सपायरिंग डेट की हो जाती हैं, या हमारी तबीयत ख़राब हुई हम सही हो गए समय से पहले पूरी दवा लेने से पहले और हम बाकी की बची हुई दवाओं को फेंक देते हैं। लेकिन ये ऐसे फर्टिलाइज़र आपके पेड़ पौधों के लिए बहुत अच्छी हो सकती हैं, तो आगे से इनको ना फेंकिएगा। बस आपको इतना करना है कि इनको वॉशिंग ना करिएगा, बस इनको जैसी भी ये हैं सूखी हुई इनको आप मिक्सी में पीस लीजिएगा। उसका बारीक मिक्सी ना हो तो भी कोई बात नहीं, आप इसको किसी भी भारी चीज़ से जैसे कि ईंट वगैरह से या किसी पत्थर से गोल पीस कर पौधों में एक एक टीस्पून दे सकते हैं। तीसरी चीज़ है, ये आप देख रहे हैं पहचान नहीं पा रहे होंगे, लेकिन ये है अंडे के खाली शेल्स। जो लोग अंडे वगैरह खाते हैं उनके शेल्स होते हैं अक्सर उनको फेंक देते हैं, तो उनको फेंकिएगा ना, उनको धोकर धूप में सुखा लीजिएगा और उनको भी अच्छा से बारीक से पीस लीजिएगा। और क्या करना है आपको, एक एक टीस्पून आप इसको सभी पेड़ पौधों में डाल दीजिएगा। ये बहुत आपके पेड़ पौधों के लिए फ़ायदेमंद होंगे। अंडे में बहुत सारी खूबियाँ होती हैं, उतनी ही खूबियाँ इनके शेल्स में होती हैं, लेकिन ये फेंक दिए जाते हैं क्योंकि बिना किसी काम के होते हैं। सो आप इनको इकट्ठा कीजिएगा धो के सुखा के, लेकिन धो के सुखा के रखिएगा और पीस के बारीक बारीक पाउडर, या उनको हाथ से भी आप क्रश करके सब पेड़ पौधों में डाल सकते हैं। देखिए आपके स्क्रीन पे कुछ ऐसे मेरे प्लांट्स हैं जिसमें फ्लावरिंग हो रही है, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं, एक ही ऐसा प्लांट है जिसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही है। तो आप बेझिझक इन सभी में ये सारी, जैसे कि एक चम्मच, ये छोटे गमले हैं तो आप एक चम्मच इनमें ऐसे सब तरफ करके दे दीजिएगा। इस तरीके से, और फिर बाद में इसमें आप पानी डाल दीजिएगा। ये देखिएगा सब तरफ से अच्छे से दे दीजिएगा। इसी प्रकार से आप ये चाय की पत्ती भी एक चम्मच एक गमले में हर 15 दिनों में आप दे सकते हैं।
एक कहावत तो आपने सुनी होगी कि आम के आम और गुठलियों के भी दाम। तो ये बस आप समझ लीजिए वही सब कुछ है, आम के आम गुठलियों के दाम। मैं अपने पॉट्स में ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र मार्केट से मंगा के नहीं डालती हूँ। बहुत ही कम ऐसा होता है कि मैं मार्केट जाऊं और फर्टिलाइज़र ले के आऊं, वरना मैं अपने घर में ही जो चीज़ मेरी वेस्ट होती हैं, ये जो इस प्रकार से और भी चीज़ें होती हैं मैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगी, वही मैं अपने प्लांट्स में दे देती हूं। इससे हमारी पॉकेट मनी भी बचती है और जो बेस्ट चीज़ है हम अपने आसपास के जगहों पे फेंक देते हैं उसका भी हो जाता है, हम अपने आसपास की जगहों को स्वच्छ रख पाते हैं और ये चीज़ें फिर यूज़ हो जाती हैं। देखिए सिर्फ इन्हीं चीज़ों को डालने से मेरे फ्लावरिंग, ये देखिए कितना बड़ा साइज का फ्लावर है, ये गुलदाउदी है, आप देख रहे होंगे कितने प्यारे फ्लावर्स हैं। मैं कुछ ज़्यादा नहीं करती हूँ, यही ज़्यादातर अपने पेड़ पौधों में डालती हूँ। सो फ्रेंड्स, आपको मेरी जानकारी कैसी लगी? अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। प्लीज़ 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 फ्रेंड्स, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए, ताकि मैं ऐसी और अच्छी अच्छी और नो इन्वेस्टमेंट, आई मीन जिसमें ना के बराबर पैसे लगते हैं या बहुत ही कम पैसों में हम अपनी अपने गार्डन के शौक को पूरा कर सकते हैं, ऐसे वीडियो मैं आपको अपलोड कर सकूँ। थैंक यू।